ये पेपर मौजूद था ना, अरब के लोगों के पास नहीं था ना पेपर, अरब के लोग तो वाकिफ नहीं थे ना इससे। नबी इस्लाम के जमाने में तो खजूर की छाल के ऊपर, चमड़े के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, खालों के ऊपर लिखा जाता था। और सबसे बढ़कर आप लोगों के अपने चैनल के ऊपर मैंने तफसीलन गुफ्तगू की हुई है, तो वो आंदा से इस टॉपिक पे सवाल ना लिया करें। जिसके ऊपर मैं तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन ना लिया करें। तो इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, जिससे शौक है वो वीडियो देख ले। एथियस से मुतालिक जो इस किस्म के एतराजात हैं उनके ऊपर भी मैंने बैन किया हुआ है। उनसे हमारा असल इख्तलाफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है, और बुनियादी जो मुकदमात है उसके ऊपर एक ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है एथियस से मुतालिक 10 questions, वो आप देख लें। 2-2 घंटे की वीडियोस के एक रिकॉर्ड करवाई है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर भी लाइव सेशन में सवाल लेने की जरूरत नहीं है। इससे मुतालिक जितनी भी चीजें नंबर 15 है अरसलान भाई का लाहौर से, वो पूछ रहे हैं कुरान रिटन फॉर्म में इतना लेट क्यों आया। नॉन मुस्लिम जो है हमारे दोस्त वो तनकीद करते हैं कि पेपर तो पहले से मौजूद था तो फिर रिटन फॉर्म में इतनी देर से क्यों आया। जी पेपर मौजूद था ना, अरब के लोगों के पास नहीं था ना पेपर, अरब के लोग तो वाकिफ नहीं थे ना इससे। अरब के लोगों के पास तो दूसरी सदी हिजरी में खलीफा हारून रशीद जो बनू अब्बास के खलीफा थे, उन्होंने जब हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिक्मा बनाया उसमें फिर इस टेक्नोलॉजी को रशिया से और चाइना से इम्पोर्ट किया गया। नबी इस्लाम के जमाने में तो खजूर की छाल के ऊपर, चमड़े के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, खालों के ऊपर लिखा जाता था। तो नबी इस्लाम ने कुरान लिखवाया और जमा भी किया। जमा के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो सारे के सारे नोट्स एक जगह पे इकट्ठे होते। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को कुरान हिफ्ज करवा दिया था और आप अलैहिस्सलाम के रिटन नोट्स भी उनके पास मौजूद थे। मैंने पिछले दिनों जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़ाहुल्लाह के हवाले से कंट्रोवर्सी हुई है उसमें भी मैंने तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की है, और सबसे बढ़कर आप लोगों के अपने चैनल के ऊपर मैंने तफसीलन गुफ्तगू की हुई है। तो वो आंदा से इस टॉपिक पे सवाल ना लिया करें। जिसके ऊपर मैं तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूँ उसके ऊपर क्वेश्चंस ना लिया करें। उसके पीछे रीजन ये होती है कि चूंकि उसके साथ इतनी छोटी छोटी चीजें जुड़ी होती हैं कि कोई एक भी मिस हो जाए तो सवाल करने वाले की तशफी नहीं होती, उल्टा वो गलत कोई रिजल्ट निकाल देता है। इसी वजह से हमने अपनी इस लाइव स्ट्रीम के अंदर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालिक क्वेश्चंस बैन किए हुए। ये वजह नहीं है कि हम बोलना नहीं चाहते, बोलेंगे, लेकिन वो इतना कुछ है कि एक इशू रिजॉल्व करते हैं तो कोई और पॉइंट सामने आ जाता है और लोगों के ऊपर इस किस्म का इफेक्ट पड़ता है। कोई नासबियत की तरफ माइल हो जाते हैं, कोई राफजियत की तरफ। तो इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है, जिससे शौक है वो वीडियोस देख ले। इसी तरीके से एथियस से मुतालिक जो इस किस्म के एतराजात हैं उनके ऊपर भी मैंने बैन किया हुआ है। उनसे हमारा असल इख्तलाफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है, और बुनियादी जो मुकदमात हैं उसके ऊपर एक ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है एथियस से मुतालिक 10 questions, वो आप देख लें। उसके बाद पिछले ऑलमोस्ट एक साल से फलस्तीन का इशू चूंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक तकलीफ दे चीज बना हुआ है, इसलिए मैंने इसके ऊपर काफी तफसीलन 2-2 घंटे की वीडियोस के एक रिकॉर्ड करवाई है। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर भी लाइव सेशन में सवाल लेने की जरूरत नहीं है। इससे मुतालिक जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह का शुक्र है मैंने तफसील के साथ रिकॉर्ड करवा दी है, और जहां पे कोई शैतान ने किसी को वसवसा दिलाया हुआ था तो अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ हमेशा आती है। एक एक करके वो सारे स्पीकर्स, वो सारे उलमा, वो सारे के सारे मुफ्ती जो इस दावत हक के बारे में झूठ बोलते थे, ब्लेम्स लगाते थे, अल्लाह ताला ने उन सबको एक्सपोज किया है उनके अपने किरदार की रोशनी में, अपने अफाल की रोशनी में, अपनी गुफ्तगू की रोशनी में। वो सब के सब एक्सपोज हो गए कि सब ये कहानी बाज थे। कोई एक नहीं आप उंगली रख के बता सकते कि जो बच गया हो। अगर कोई एक्सपोज होने से बचा तो वो इस दुनिया से उठा लिया गया, ऐसा भी हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सच्चाई की ताकत है, हम अपने मामले को अपने रब के सुपुर्द हमेशा कर देते हैं। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा वहय्यिग लना मिन अम्रिना रशदा, जो असहाबुल काफ की दुआ है। ऐ अल्लाह हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे हर काम में तू कामयाबी की राह निकाल दे।
تو اصحاب الکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی بندوبست کیا، 300 سال تک انہیں سلائے رکھا. یہ وہ معجزہ ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ یہ تابعین میں سے تھے عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے ساتھ یہ کرامت فرمائی یا معجزہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں اسے شامل کر دیا آنے والی امت کے لیے کہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے. اور الحمدللہ میں نے تو اس سے رہنمائی حاصل کی ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے. تو اللہ کے شکر ہے جتنے لوگ میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں بیان کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں اور ان کی حقیقت اور اصلیت کھل کے پبلک کے سامنے آ جاتی ہے. بعض لوگ عبرت پکڑ لیتے ہیں، بعض نہیں پکڑتے، اپنی روش کو نہیں چھوڑتے، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کی ہوئی ہے اور کس بات کی کیا ٹائم لائن ہے، کس بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی بدلہ لیتا ہے کہ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور آپس میں لڑوا دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں بریلوی کس طریقے سے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں تو تسلی سے اپنے گھر بیٹھا ہوں اور جلسے کے اندر دو مولوی مجھے بنیاد بنا کے آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو اللہ کا شکر ہے پبلک کو پتہ چل رہا ہے کہ سچائی کیا تھی اور سچائی کو دبانے کے لیے جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یا میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ میں جان بوجھ کے جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں انہیں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ ہر شخص کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. میں نے مقدمہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، مقدمہ کلیئر کر دیا اس کے بعد پبلک خود فیصلہ کر لیتی ہے. ہاں اگر کوئی بڑا بندہ ایسی بات کرے جس کی لاکھوں میں ویورشپ ہو اور کروڑوں ان کے فالوورز ہوں فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں اسے ضرور ریبٹل کرتا ہوں. مفتی منیب صاحب نے بات کی، میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی، صادر رضوی صاحب نے کی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی. یہ ساری باتیں، اس سے سخت باتیں اور لوگ کرتے ہیں لیکن میں رسپانس ہی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس دعوت حق کو کوئی فائدہ ہے. اس دعوت حق کو فائدہ تب ہے جب کوئی بڑا بندہ بات کرے پھر اسے جواب دیں تاکہ ان کے جو ماننے اور چاہنے والے لوگ ہیں انہیں بھی سچائی پتا چلے. لہذا اگر کسی کو یہ خواہش ہے کہ اس کے پاس کوئی میرے خلاف ایسا مواد موجود ہے میری ویڈیوز کی روشنی میں اور انجینئر صاحب اس کا جواب آ کے دیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے، کسی بھی بڑے مولوی کے پاس، مفتی کے پاس جائیں، جس طرح بریلویوں کے مفتی منیب صاحب ہیں، دیوبند کے تقی عثمانی ہیں، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں. بڑا آسان ہے، جس جس فرقے کو اپنے اپنے فرقے والوں کو ایک تکلیف ہے تو وہ تکلیف سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کے پاس آئے، ان کے سامنے چیز رکھیں اور ان سے ویڈیو بنوا دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دے دوں گا. مجھے بھی مزہ آئے نا، کتنا مجھے اچھا لگے کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب میاں والے واقعے کا دفاع کر رہے ہوں تو مجھے جواب دینے کا مزہ آئے نا. مفتی منیب الرحمان صاحب چشتی رسول اللہ کا اور بایزید کی بکواسیات کا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ان کفریات کا دفاع کر رہے ہوں تو مجھے کتنا مزہ آئے گا جواب دیتے ہوئے. چھوٹو کوئی کرے گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چھوٹو تو خود میری وجہ سے فیم لے رہے ہیں، میری ویڈیوز اور تصویریں لگا کے، تو مجھے کیا فائدہ، مجھے تو بڑا چاہیے کہ جس کے زیادہ چاہنے والے، اور وہ سمبولیکلی بڑا ہو، ویسے تو ان کی بھی ویورشپ کوئی نہیں ان مفتیوں کی، لیکن سمبولیکلی تو بڑے ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، ادروائز میں جواب نہیں دیتا، ضرورت ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہے کہ کون سی بات تھی اور کیسے ہوئی، اور وقت خود بخود ثابت کرتا جا رہا ہے. کوئی موٹیویشنل سپیکر، کوئی فرنٹ مین، کوئی مفتی،
कोई गले फाड़ने वाला नहीं बचा, कोई पीर जिसने मुझसे मुतल्लिक झूठे जमाल लगाए, तो अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में एक्सपोज कर दिया, बुरे तरीके से एक्सपोज किया उन तमाम बातों के ऊपर कि जिसके ऊपर वो मुझे ब्लेम करते रहे, अल्लाह ताला ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, आमदा भी, और मैं कभी भी किसी शख्स से इल्मी इख्तलाफ की बुनियाद पर यह नहीं करूंगा कि किसी के ऊपर तोहीन मजहब के हवाले से बुरा वक्त आए और मैं अपना बदला उतारूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वरना तो मैंने आपको बताया कि बनू उमैया की चालें जहां खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है, तो मैं तो इस तरह के मौकों को अवेल करूं, लेकिन मैं नहीं करता। उसकी वजह है कि हमारी डॉक्ट्रिन नहीं है। यह अब तकलीफ उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने उम्मत को ये कहानी करवा दी थी कि गुस्ताख रसूल की तौबा ही कबूल नहीं है। अब ये उन लोगों का काम है ना कि वो आके पब्लिक में बात करें। इसलिए देखें आपके वहाबी फिरके के उलमा, वो गले फाड़ने वाले जो कल तक सपोर्टर थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, बिल्कुल सांप सूंघ गया उनको। वो उनके हक में दो जुमले बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों नहीं बोल रहे कि भाई मुफ्ती साहब ने तौबा कर ली है तो मुफ्ती साहब को माफ कर दिया जाए। इसलिए नहीं बोल रहे कि उनके फिरके में भी तौबा कोई नहीं है। उनका जो अब्बा था इब्ने तैमिया, ये सारा फितना उसने फैलाया है, जो उसने किताब लिखी है सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल, जिसमें अक्सर झूठी रवायतें हैं और उसने जिस अजीब तरीके से रिजल्ट निकाला है, तो उसका मैंने थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम किया हुआ है। गुस्ताख रसूल की सजा आप मेरी वीडियो देख लें। ये पूरी दुनिया में जितना फितना खड़ा हुआ है ना कि तौबा कबूल नहीं है, इस फितने का बानी इब्ने तैमिया है। अब इब्ने तैमिया तो इनका अबू हनीफा है वहाबियों का, उससे तो इख्तलाफ कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको वहाबी उलमा ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तौबा कर लिया है तो आप इनकी तौबा कबूल कर लें, क्योंकि उनके नजदीक भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सजा जो है वो 295C के तहत कत्ल है, उनकी मजबूरी है, इसलिए नहीं वो बोल रहे। और अगर वो बोलेंगे और मेरे तक क्लिप पहुंच गया तो मैंने फिर इनको लटा लेना इल्मी तौर पे, और फिर बताना है कि तुम्हारा अब्बा तो ये कह के गया था, और आज से 5-6 साल पहले जब मैं ये बात कर रहा था तो तुम लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे थे, आज तुम्हें ये याद आ गया। तो इसलिए आप देखें कि अब उलमा भी बात करते हुए डरते हैं कि कहीं इंजीनियर साहब क्लिप ना बना लें। देखा है वो कागजी शेर जो है साद रिजवी, कितनी तमकनत थी उसकी। तो वो इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि यार वो कोई बात फिर मेरे मुंह से निकल गई तो वो फिर पता ना कि वो इंजीनियर जो है वो छिड़ जाएगा। देखा है पूरी पाकिस्तानी कौम, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, उलमा, सिविल सोसाइटी इन दहशतगर्दों से डरते हैं, और ये दहशतगर्द खत्म नबूवत के मुजाहिद से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने सिर्फ एंटी कादियानी काम किया है। खुद वो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी है, और इंजीनियर साहब तो वाकई खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं। वो ना चिश्ती दज्जाल को छोड़ेंगे, ना थानवी दज्जाल को छोड़ेंगे, ना गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को छोड़ेंगे, और ना मुसैलमा कज़्ज़ाब दज्जाल को छोड़ेंगे। इसलिए वो कहते हैं वो छिड़ जाएगा, तो वो देखें मैं छिड़ाऊ ना, फिर मैं छिड़ू तो फिर वो भाग गया। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है आप देख ले तीसरा चौथा हफ्ता है।